राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में 48 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक भारत के विकास के प्रति आश्वस्त हैं। कोविड महामारी में भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा है। कोविड 19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। मैं आज संसद के समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। सरकार के अंत्योदय मंत्र को दोहराते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकदी हस्तांतरित किया जा सका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और स्वदेशी विकसित टीकों से भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने सभी सांसदों से इस बजट सत्र को और अधिक फलदायी बनाने का भी आग्रह किया ताकि देश की आर्थिक प्रगति के लिए अवसर प्राप्त हों। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे सत्र के दौरान सदन की चर्चा में भाग जरूर लें।